दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अब सामने आई है। चीन की चाल जो है वो एक बार फिर से हमारे सामने आ चुकी है। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बुजदिली चीन ने करी है। और हमारे एक आप ये समझ सकते हैं कि 3 जवान शहीद हो गए जिनमें एक ऑफिसर और 2 सैनिक थे, और ये झड़प हुई है। और इस झड़प के बाद ही आप ये समझ सकते हैं कि PLA ने ये कदम उठाया, जिसकी वजह से अब एक तरह से तनाव का माहौल सीमा पर पैदा हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है कि ये चीन ही नहीं बल्कि नेपाल भी कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने डिफेंस अपडेट्स में बताया था कि किस तरीके से जो नेपाल है उसने हमारे एक नागरिक को मार दिया था। यानी कि पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये मुद्दा बहुत अहम हो चुका है अब हमारे सामने कि किस तरीके से आज तक 40 साल हो चुके थे कि भारत और चीन के बीच में कोई गोली नहीं चली थी, या फिर किसी तरीके का कोई आप ये समझ सकते हैं कि कैजुअल्टी नहीं हुई थी। लेकिन ये कैजुअल्टी हो चुकी है, और आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और मेरा भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि खून खौल रहा है कि किस तरीके से चीन की ये नापाक हरकत हुई। एक तरफ तो उसने कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को परेशान किया, और दूसरी तरफ उसने इस तरीके की जो हरकत करी वो कतई आप समझ सकते हैं कि सहने लायक नहीं है, और ना ही इसको सहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर स्थिति ये समझ सकते हैं कि अब भारत की तरफ से जो एक्शंस हैं क्या होते हैं, ये समझने वाली बात है। मेरे को तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसको आप ये समझ सकते हैं कि ईंट का जवाब भारत को पत्थर से देना होगा। और अगर ये चीज़ होती है तभी चीन को सबक मिलेगा, नहीं तो आप ये लगा लो आज हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं, कल को बहुत बड़ी बात हो सकती है। यहाँ पर भारत को भी अपने हथियारों को उठाने की बेहद ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि पूरे देश में एक तरह से आप इसकी रोष का माहौल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से चीन पूरी तरीके से आप लगा सको कि CPEC के जरिए भारत को घेर रहा है, इस तरफ उसने नेपाल को भड़का करके सीमा विवाद भारत के साथ भी खड़ा करवाया। और जो हमारी 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो सीमा है जो भारत साझा करता है चीन के साथ, उस पर भी विवाद इस वक्त चल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि जहन से नहीं उतर रही हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को ये मतलब मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे सैनिक इतनी आसानी से किस तरीके से चीन के हाथ में आ गए। लेकिन जो एक अपडेट यहाँ पर आया है वो अपडेट ये भी है कि कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि बल गोली तो नहीं चली है, लेकिन जो ये कटीले तार और वो लेके आए थे अपने साथ कुछ धारदार हथियार, शायद उसकी वजह से ये हुआ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमारे जवानों की यहाँ पर शहादत हुई है, और ये कोई आप छोटा मामला मत समझिएगा, ये आप सबसे जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि चीन की आर्थिक नीति को पूरी तरह से तोड़ना, ये सब आप हम सब मिलकर कर सकते हैं। इसका कोई सामान आपको नहीं खरीदना है जिस तरीके से, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अभी मैं बताऊंगा कि जब इसने भारत में ये समझ सकते हैं कि जब भारत ने अपने की FDI में भी जो ऑटोमेटिक रूप था उसमें भी चीन के जो इन्वेस्टमेंट थी उसको रोका, तो कहीं ना कहीं इससे चीन एक तरह से तिलमिला गया और उसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है। बहरहाल अभी उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही है, और सेना की तरफ से भी अभी बयान आना बाकी है। बाकी सब कुछ इस वक्त हर अपडेशन पर मेरी नज़र बनी हुई है ताकि मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा सकूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच सकते हैं कि भारत को इसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो कि चीन के हैं वो माफ़ी मांगेंगे तो शायद इस मामले पर कुछ आप ये समझ सकते हैं कि सहमति बन सकती है। अदरवाइज़ उन्होंने हमारा ये समझ सकते हैं कि सैनिकों को मारा है, तो उसका बदला भी उनके सैनिकों की खून से ही भारत को लेना होगा। बाकी आपका क्या कहना है आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों बहुत हर्ट हुई है ये बात मुझे जानकर, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।